Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to review one of the most full coverage foundation. I have ordered this foundation from one of the online websites. I will put the link in the description box ताकि अगर आप लेना चाहें तो आप वहाँ से ये product ले सकते हैं, क्योंकि ये product बहुत ज़्यादा market में fake आ रहा है और बहुत सी online sites भी इसको जो है वो fake डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं लोगों को और बहुत एक्सपेंसिव बेच रही हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से आपने ये लेना है और आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी मार्केट में जाके पर्सनली बाय करते हैं तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये फेक है और ये ओरिजिनल है। सो इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशिएट करना भी बताऊँगी, इसकी शीट्स के बारे में भी बात करेंगे और जिस साइट से मैंने लिया है वहाँ से आपने कैसे बाय करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। जहाँ से मैंने ऑर्डर किया, अगर आप वहाँ से ऑर्डर करते हैं तो दे आर काइंड इनफ, वो आपको गाइड करेंगे आपको शेड्स के बारे में और शेड कार्ड प्रोवाइड करेंगे ताकि आप ख़ुद भी चूज़ कर सकें। इसके अलावा अगर आप उनको अपना कलर टोन बताते हैं, अपना स्किन टोन बताते हैं, तो वो आपको उसके हिसाब से मैं बताएँगे कि आपको कौन सा शेड सूट करता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। The product is Dermacol, which is one of the most full coverage foundation. Packaging इसकी simple है, इसी तरह से packaging आती है दोनों fake की भी और original की भी। अब आपने differentiate कैसे करना है, इसमें जो Dermacol लिखा हुआ है वो थोड़ा उभरा हुआ है और जो fake वाली होती है उसमें plain लिखा हुआ होता है। Dermacol इस तरीके से उभरा हुआ नहीं होता है। अच्छा, इसके ऊपर लिखा है मेकअप कवर और जो पिंक कलर का एक स्टिकर सा लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है कि ये वाटरप्रूफ है, SPF 30 है, यानी अगर आप ये लगा रहे हैं तो आपको सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये हाइपो एलर्जेनिक है, यानी आपको ये एलर्जी नहीं करेगा प्रोडक्ट पर। फिर भी आई विल रिकमेंड इफ़ यू आर ट्राइंग दिस प्रोडक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, गो फॉर अ पैच टेस्ट, देन आप अपने पूरे फेस पे ये अप्लाई करें ताकि आपको अगर कोई एलर्जी खुदा ना खास्ता होती है तो उससे आप बच सकें। अगर आप ये बॉक्स उल्टा करके देखें, यानी उसकी इस बैक साइड पर देखें, तो यहाँ पर एक गोल्डन सा चमकीला सा स्टिकर है। अगर आप ये फेक नहीं है तो आप अगर इसको पील ऑफ़ करने की कोशिश करेंगे तो ये पील ऑफ़ नहीं होगा और फेक में ये पील हो जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है डिफरेंशिएट करने का फेक में और ओरिजिनल प्रोडक्ट में। इसी जगह पर इसके बैक साइड पर इसकी जो है वो इसका नंबर लिखा हुआ है कि कौन सा शेड नंबर है। ये शेड है 210 और एक्सपायरी भी मेंशन है और ये भी बताया ये 30 ग्राम का है। और अच्छा, आप ये खुद से भी जज कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कितनी देर बाद एक्सपायर हो जाएगा। इसके पीछे बैक साइड पर एक ये निशान सा बना हुआ होता है जैसे कोई बॉक्स ओपन करते हैं, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 24 मंथ, यानी जब ये आप प्रोडक्ट खोलेंगे उसके 24 मंथ्स के बाद ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा। आई हैव ऑर्डर टू फाउंडेशन, मैंने दो फाउंडेशन ऑर्डर किए थे। जब मैंने पहला ऑर्डर प्लेस किया तो उन्होंने मुझे प्राइस इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस बताए 1400। तो जब मैंने कहा मैंने दो शेड्स ऑर्डर करने हैं तो उन्होंने कहा कि डिलीवरी इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे 2600 रुपीज़। अच्छा, ये शेड है मेरे पास 208 और ये बॉक्स वाला जो शेड है उसका बॉक्स मेरा गुम हो गया है। इसके अंदर एक लीफलेट भी होता है इस तरह का, जिसमें आपको ये इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करने हैं और ये इसकी क्या क्या खसूसियात हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आपको इसमें बता दूंगी वीडियो में जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, ये जो शेड है आई विल बी अप्लाइंग शेड नंबर 208। फर्स्टली मैं 208 शेड अप्लाई करूँगी। अच्छा, इसका एक पॉइंट ये होता है कि इसकी जो कैप है ये पॉइंटेड होती है, एक पीछे से एक पॉइंटेड सा बना हुआ होता है जिससे आपने ये ओपन करनी होती है। ये मेरी बिल्कुल सील्ड आई थी ट्यूब्स, क्योंकि मैंने इनको यूज़ किया है तो इसलिए अब ये सील्ड नहीं है। और इसका ये जो ट्यूब है ये एक ग्लिटरी सी है और इसकी जो अपेरेंस है अगर आप हाथ लगा कर फील करें तो एक मेटालिक सी डिफरेंट सी है, और जो फेक वाली आती है वो एक प्लास्टिक सी प्लेन सी ट्यूब होती है। मैं इसलिए अच्छे से डिफरेंशिएट
कर सकती हूँ बिकॉज मैंने वो प्लेन, वो जो फेक वाली है, पहले वो बाय की थी और जब मुझे पता चला वो फेक है तो मैंने ऐसे ही उसको रख छोड़ दिया, इस्तेमाल नहीं किया तो वो गुमशुम हो गई। अच्छा जी, अब ये मैं आपको शेड इसका जो थोड़ा सा मैं लेकर दिखाऊंगी फाउंडेशन, ये बहुत थोड़ी फाउंडेशन लेनी पड़ती है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है और बहुत ही कम क्वांटिटी में ये आपको फुल कवरेज प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने हाथ पर कोई मॉइस्चराइजर नथिंग कुछ भी नहीं अप्लाई किया है। आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट डायरेक्टली ऑन माय हैंड और इसको आपने डॉट डॉट करके ही अपने फेस पर लगाना है और फिर अपने फिंगर टिप से इसको स्प्रेड करना है। इसी तरह से लीफलेट पर मेंशन है कि आप फिंगर टिप से इसको लगाएं या एक मेकअप स्पंज के थ्रू इसको लगाएं। अच्छा, ये क्लेम करते हैं कि ये सारी इम्परफेक्शंस को आपके ये हाइड करता है, तो ये इनका जो क्लेम है ट्रू है, मैंने ये देखा है। ये अगर आपने मेहंदी हाथ पे लगाई और अगर आप ये प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो मेहंदी को हाइड कर देता है। अच्छा, यहाँ मेरे हाथ पर छोटे छोटे दो स्क्रैचेस हैं जो कि बहुत लाइट हैं, इतने डार्क नहीं हैं, बट मैं आपको लगा कर दिखाऊँगी कि ये उसको कम्प्लीटली हाइड कर देगा फाउंडेशन। अच्छा, आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट मोर तक क्योंकि मैंने उन स्क्रैचेस को हाइड करना है। ये देखें, छोटे छोटे से दो स्क्रैचेस हैं, आई होप यू कैन सी। मैं इस पर लगाऊंगी और बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कोई स्क्रैच था। अगर आप इससे पहले इसकी जो प्राइमर है, इसका जो प्राइमर आता है वो लगा लें तो आपके पोर्स भी ये बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है। यू कैन सी कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद आप किसी भी किस्म का जो लूज़ पाउडर है उससे आप ये अपनी बेस को सेट कर सकते हैं ताकि जो एक ग्लो शाइनी सा इफेक्ट आ रहा है वो अगर आप नहीं चाहते हैं तो यू कैन सेटल दैट ग्लो विद एनी लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर। ये वाकई एक फुल कवरेज फाउंडेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। ये शेड मेरी स्किन टोन से ज़रा काफ़ी ज़्यादा लाइटर है, तो जो 210 है और 208 है मैं इनको मिक्स करके लगा लेती हूँ और मेरे शेड जो स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंगली ये शेड मिल जाता है मुझे। ये केक के लुक बिल्कुल भी नहीं देते हैं, मैट फिनिश देते हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ ग्लो। ये ब्रश के साथ भी अमेजिंगली लगते हैं। अगर आप इसे किसी प्राइमर के साथ लगाते हैं तो ये आपको मैट फिनिश देगा बिकॉज बहुत से प्राइमर्स आर मोस्टली सिलिकॉन बेस्ड दैट मैटिफाई योर फाउंडेशन वेरी नाइसली और एंड विदाउट प्राइमर ये आपको लिटिल बिट ग्लो देते हैं। जैसे कि मैंने विदाउट प्राइमर अप्लाई किया है तो लिटिल बिट सी ग्लो है फाउंडेशन में। I have tried out a lot of foundations but I just love this foundation. इसके साथ मुझे ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये बहुत ही फ्लॉलेसली लग जाती है। आपको कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं है, आपको कंसीलर की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर यूजिंग दिस फाउंडेशन ये बहुत ही अच्छे से बैठती है। लाइक अगर आप 210 लगा रहे हैं तो यू कैन यूज़ 208 एज अ करेक्टर, सॉरी एज अ कंसीलर, और अगर नहीं भी तो पूरी चेहरे पर भी आप ऐसे इसको लगाएं तो इट इज़ अ वेरी सुपर्ब फाउंडेशन। अगर आपको बेज शेड चाहिए यू कैन गो फॉर शेड 215 और 218, आप ये इन दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हैं। 222 ये शेड भी हम एशियंस पे बहुत अच्छा इससे बैठता है बट वो मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए बहुत डार्कर हो जाएगा। मेरे लिए 208 और 210 का जो है मिक्सचर बेस्ट बैठता है। ये हर किस्म की स्किन के लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन है। इट इज़ बेस्ट फॉर स्पेशली फॉर ऑयली स्किन, अगर एक्नी स्कार्स हैं आपके चेहरे पे, ये हाइपर पिगमेंटेशन है उसके लिए बेस्ट है बिकॉज ये बहुत अच्छे से कवर करता है आपके सारे चेहरे की इम्परफेक्शंस को। ये वाटरप्रूफ भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, हाँ पर ये ऑक्सीडाइज ज़रूर होती है। अच्छा, ये प्रोडक्ट, ये दोनों ट्यूब जो हैं इस खूबसूरत से पाउच पर आई, पाउच के अंदर आई पड़ाई नहीं थी, इस पाउच के अंदर आई थी और अब इसके अंदर काफ़ी सारे मेरे कॉस्मेटिक के आइटम्स मौजूद हैं क्योंकि ये पाउच बहुत ही मज़े का, बहुत ही मज़बूत है। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है एनीवेज, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो। जो पॉइंट बहुत ज़रूरी है वो ये कि ड्राई स्किन वाले पहले अच्छे से अपना चेहरा मॉइस्चराइज़ करें बिफोर अप्लाइंग दिस फाउंडेशन बिकॉज जो एरिया बहुत जल्दी ड्राई आउट कर जाते हैं जैसे कि अराउंड योर नोज़ तो ये क्या करेगी, वहाँ पे क्रैकी सी हो जाएगी। तो इसलिए बिफोर अप्लाइंग दिस फाउंडेशन आपने अच्छे से वो अपना चेहरा मॉइस्चराइज़ करना है ताकि अराउंड द नोज़ ये क्रैक्स नहीं पड़ें।
ये फाउंडेशन डेली यूज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत हैवी कवरेज देते हैं, और ये उन लोगों के लिए भी फाउंडेशन नहीं है जो कि लाइट कवरेज पसंद करते हैं। सो अगर आपको फुल कवरेज नहीं पसंद है, प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस प्रोडक्ट। ये शादी और ओकेजन्स के लिए बेस्ट फाउंडेशन है, या आप मेकअप आर्टिस्ट हैं या आप यूट्यूबर हैं तो ये बेस्ट फाउंडेशन है, ताकि आप अपनी जो है वीडियो फिल्म कर सकें। So this was all about this video. I hope you like my video. If you like my video, please give thumbs up and do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.